का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बिल्डिंग ढहने से 37 लोग मलबे में दबे, 6 सैनिकों सहित 7 की मौत, बचाव कार्य जारी। तकनीकी कारणों से टला चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण, जल्द होगी नई तारीखों की घोषणा। राज्य सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण की तैयारी, 9 IAS 2 IPS सहित 25 लोगों की निगरानी में तैयार होगा ड्राफ्ट। और पूर्व केंद्रीय मंत्री का दावा, लोकसभा चुनाव वोटों से संपर्क की कमी वजह से हारे, टीगा रामजुली ने जिला अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कुमारहट्टी इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां सड़क किनारे एक होटल ढहने से 37 लोग मलबे में दब गए। घटना में 6 सैनिकों समेत 7 की मौत हो गई है। सेना की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इनमें 30 सेना के जवान हैं, जिनमें से 18 को बाहर निकाला गया है। इनमें से 6 जवानों की मौत हो गई है, एक अन्य महिला की भी इस हादसे में जान चली गई। यह बिल्डिंग 2009 में बनाई गई थी। पिछले दिनों एक मंजिल और बढ़ाई गई थी। मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में ढाबा चल रहा था, जहां 34 जवान खाना खाने के लिए रुके हुए थे। घायल जवान सुरजीत ने बताया कि वह ढाबे में खाना खा रहे थे तो अचानक धरती हिली और एकदम से पूरी इमारत गिर गई। उन्होंने बताया कि उनके साथ 30 आर्मी के जूनियर ऑफिसर व 4 आर्मी जवान शामिल थे। सभी डगशाई बटालियन के जवान हैं और रविवार का दिन होने के कारण सभी ने लंच बाहर करने का प्लान बनाया था। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के मालिक साहिल कुमार का परिवार भी यहीं रहता था। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बच्चे बाहर खेल रहे थे, लेकिन साहिल की पत्नी मलबे में दब गई थी, जिसे गंभीर हालत में बाहर निकाला गया। चंद्रमा की ओर बढ़ते देश के कदम, लॉन्च व्हीकल में तकनीकी खामी से फिलहाल थम गए हैं। सोमवार अल सुबह 2:51 श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण होना था। तैयारी पूरी थी, लेकिन 56:24 पहले उल्टी गिनती रोक दी गई। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। इसरो के अनुसार इस मिशन को रद्द नहीं किया गया है, जल्द ही इसकी नई तारीख का ऐलान होगा और इस महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दिया जाएगा। इसके साथ ही भारत पहली बार चंद्रमा पर दस्तक देगा। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का 4th देश होगा। दुनिया में अंतरिक्ष महाशक्ति कहलाने वाले भारत के लिए यह बड़ी उपलब्धि होगी। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। राज्य में 4 मौत हो गई हैं, जबकि 9 जिलों में 18 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बिहार की 5 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ ने दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मोतिहारी और शिवहर, सुपौल, मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सीतामढ़ी जिले में 11 लाख जबकि अररिया में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सुपौल जिले में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से लगभग 50,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 पहुंच गई, जबकि राज्य के 28 जिलों में करीब 26.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक जोरहाट, बाड़पेट और धुबरी जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। बाड़पेट में सबसे ज्यादा 7,35,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश होने की आशंका जताई है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में और इजाफा होगा, इससे हालात और बिगड़ेंगे। राज्य सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण करने की तैयारी कर ली है। इसके नियामक का ड्राफ्ट तैयार करने के आदेश जारी हो चुके हैं। स्कूल एजुकेशन के प्रमुख सचिव आर वेंकटेश्वरन की अध्यक्षता में एक कमेटी इसका ड्राफ्ट तैयार करेगी। ये ड्राफ्ट 9 IAS 2 IPS सहित 25 लोगों की निगरानी में तैयार होगा। इस ड्राफ्ट के आधार पर ही नियामक संस्था का गठन होगा। ये संस्था नियम कायदे तय करेगी। देश दुनिया के नियामक संस्थानों का अध्ययन करते हुए यह ड्राफ्ट बनेगा। इस संस्था को स्टूडेंट्स के तनाव कम करने का ड्राफ्ट भी तैयार करना होगा। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए नियम कायदे तय किए जाएं। स्टूडेंट्स के सुसाइड, कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई के घटिया हालात और पिछले दिनों हुए हादसों को देखते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए थे। इस वजह से राज्य सरकार ने ये एक्शन लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस वोटरों से संपर्क में कमी के कारण लोकसभा का चुनाव हार गई। वह अंबेडकर नगर में जिला कांग्रेस कमेटी के नए कार्यालय राजीव गांधी भवन का भूमि पूजन व शिलान्यास कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के जुमले जनता ने मन में रख लिए, दूसरे पक्ष की बात ही नहीं सुनी।
कार्यक्रम के दौरान टीकाराम जूली ने जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा करते हुए कहा कि मंत्री पद की व्यस्तता के कारण जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी का पूरी तरह निर्वहन नहीं कर पा रहा हूं। कांग्रेस की नीति है कि एक व्यक्ति एक पद। इस पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, समय आने पर इस पर विचार किया जाएगा। मत्स्य विभाग में 16 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 14 अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे। आयोग सचिव के शर्मा ने बताया कि इन 16 पदों में 6 पद मत्स्य अधिकारी के और 10 पद सहायक मत्स्य अधिकारी के हैं। इन पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग संवीक्षा परीक्षा आयोजित होगी। आयुर्वेद विभाग में हो रही पहली बार पदोन्नति ही बेरोजगार आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती में बाधक होने का मामला सामने आया है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते पदोन्नति के नियमों में गड़बड़ी से आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के 4,330 से पद घटकर 2,304 ही रह गए। यही नियमों के कारण पद भी सीनियर चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति के लिए आरक्षित कर दिए गए। नियमों के तहत पदों को भरने के लिए सालों इंतजार करना पड़ेगा। नियमों में गड़बड़ी के कारण इसका असर ये हो रहा है कि अभी भी 1,300 औषधालयों में आयुर्वेद डॉक्टर नहीं होने से परंपरागत पद्धति से इलाज कराने वालों को फायदा नहीं मिल रहा। हाईकोर्ट ने सरकारी कॉलेजों में NRI कोटे से एडमिशन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की ओर से लगाई गई याचिका पर जस्टिस SP शर्मा ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य सरकार से 22 जुलाई तक जवाब मांगा है। साथ ही अगली सुनवाई तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटे से दाखिले न करने को कहा है। इस आदेश से अभी प्रवेश के लिए चल रही काउंसलिंग पर भी फर्क पड़ना तय है। गौरतलब है कि पहली बार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15% NRI कोटे से प्रवेश का प्रावधान किया गया था। इससे 212 सीटों पर प्रवेश होने थे। सरकार के इस फैसले के खिलाफ MGU ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि NRI कोटे पर प्रवेश के फैसले का अधिकार सरकार को नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर दिए गए आदेशों के मुताबिक यह कोटा निजी संस्थानों के लिए बना है। गौरतलब है 2015 में तत्कालीन भाजपा सरकार में कैबिनेट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15% NRI कोटा लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद मौजूदा सरकार ने इस फैसले को लागू किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1.25 साल से शिक्षकों के 12 पद खाली चल रहे हैं। 1.25 साल से पहले भी 11 पद खाली ही थे। तभी से विभाग के हेड का चार्ज भी कॉमर्स विषय के एसोसिएट प्रोफेसर के पास है, जबकि विभाग में BPED और MPED कोर्स चलते हैं। इनमें 180 छात्र हैं। कुलपति प्रोफेसर RK कोठारी का कहना है, पिछले साल नॉन टीचिंग पदों पर 8 असिस्टेंट डायरेक्टर की भर्ती की गई थी। सिंडिकेट से परमिशन के अनुसार ये ऑफिस टाइमिंग के अलावा 6 पीरियड ले सकते हैं। 8 असिस्टेंट डायरेक्टर्स में 2 को महारानी, 1 महाराजा, कॉमर्स राजस्थान और लॉ कॉलेज तथा 2 को कैंपस में लगाया गया है। पिछले साल नॉन टीचिंग के 8 पदों पर भर्ती की गई, लेकिन शिक्षकों के 12 पद खाली रह गए। यूनिवर्सिटी का कहना है कि आगामी भर्ती में इस विभाग में पद भरे जाएंगे। 2 साल बाद विंबलडन के खिताबी मुकाबले में पहुंचे स्विस स्टार रोजर फेडरर के रिकॉर्ड नवी ट्रॉफी को जीतने और 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब का इंतजार और बढ़ गया है। 8 बार के चैंपियन फेडरर को फाइनल में गत चैंपियन नोवाक जोकोविच के हाथों 5 सेट तक चले मुकाबले में 6-7, 6-1, 6-7, 6-4, 12-13 से हार का सामना करना पड़ा। पहले 4 सेट में से दोनों ने 2-2 जीते। 5वें और निर्णायक सेट में टाई ब्रेकर में 32 वर्षीय जोकोविच ने 13-12 से हराकर अपना 16वां ग्रैंड स्लैम जीता। यह उनकी विंबलडन में 82 मैचों में 72वीं जीत है। 37 वर्षीय फेडरर अगर यह खिताब जीत जाते हैं तो वह पिछले 47 वर्षों में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होते हैं। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के केन रॉसवाल ने 1972 में 37 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था। जोकोविच और फेडरर के बीच खेला गया यह मुकाबला विंबलडन इतिहास का सबसे लंबा फाइनल रहा। यह मैच 4 घंटे 57 मिनट तक चला। इसमें से अंतिम में निर्णायक सेट के करीब 2 घंटे तक चला। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार। ना फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल। तभी तो नंबर 1 है द एंगल।
सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए।